ये दुनिया कब चालू हुई? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि बिग बैंग से चालू हुई ये दुनिया। कोई ऐसा टाइम था आज से हज़ारों साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का एक बहुत मिस्टिकल तरीके का एक्सप्लोजन हुआ और फिर ये दुनिया चालू हुई। मेरे एक्सपीरियंस में जो मैं समझा हूँ, जिस तरह से दुनिया को और सहर जी की हेल्प से जो मैं समझा हूँ, उसके बिना मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाता। ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है, इसका कोई चालू नहीं होना है, ये एंडलेस है। ये कोई भी ऐसा टाइम नहीं था जब ये चालू हुई थी, और जब चूंकि इसकी कोई चालू होने का कोई टाइम नहीं था, इसलिए इसका ख़त्म होने का भी कोई टाइम नहीं है। ये एंडलेस है और बिगिनिंगलेस है। अगर आपके पास कोई तरीका आ सके जिसके ज़रिए आप अपने पास्ट लाइफ्स को देख सकें, मतलब ये उनसे मैं कह रहा हूँ जिन्होंने पास्ट लाइफ को एक लॉजिकली देखा है कि ये रियलिटी है, तो अगर आपने कोई मेथड, कोई तरीका खोज लिया मेडिटेशन के ज़रिए, प्रैक्टिसेस के ज़रिए, कि आप अपने पास्ट लाइफ को देख सकेंगे जैसे गौतम बुद्ध ने देखा था, तो आप पीछे देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, और वो देखने के कोई एंड नहीं होगा। हो सकता है आप 100 जन्म, 200 जन्म, 500 जन्म, 1,000, 2,000, 10,000, 1 करोड़ जन्म भी देख लें, बट उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। अल्टीमेटली आप गिव अप कर देंगे, बोलेंगे इतना, आप अपने आप को उसमें खोज नहीं पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ निकल के आती है, जब आप अपने आसपास की दुनिया को, इस फिज़िकल वर्ल्ड को, जो कि इसी तरह से चलती है, लॉज से बंधी हुई, फ्रस्ट्रेशन से बंधी हुई, मैं फ्रस्ट्रेशन कह रहा हूँ, बिकॉज़ आप जितनी भी जॉयफुल चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अल्टीमेटली उनका एंड है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने आप को इस फिज़िकल वर्ल्ड के बियॉन्ड कोई चीज़ जान सके, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते थे बियॉन्ड द स्ट्रीम, एक स्ट्रीम है जहाँ पर लाइफ और डेथ गेम खेलती है, जहाँ पर रात और दिन एक साथ चलते हैं, ऑल्टरनेट होता है, दुख और सुख एक साथ आते हैं, लेकिन एक इस स्ट्रीम के बियॉन्ड एक ऐसी स्टेट है जिसकी कल्पना मत करिएगा, आप कोशिश मत करिएगा सोचने के लिए उसके बारे में, बिकॉज हमारे थॉट्स, जो भी हम चीज़ें सोचते हैं, वो केवल इसी स्ट्रीम की होती है। जो भी हमारी कल्पनाएं हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, सब कुछ इसी स्ट्रीम का होता है। इसके बियॉन्ड भी कोई चीज़ है, लेकिन वो इस स्ट्रीम से अलग है, स्ट्रीम से बाहर है। जब तक हमको कुछ ना कुछ चाहिए इस दुनिया से, तब तक उस स्ट्रीम में हमारा जाना नहीं होता। और उस दुनिया में जाने के लिए चाहत नहीं चाहिए, डिज़ायर नहीं चाहिए, एक समझ चाहिए, एक गहरी समझ। और वो समझ कैसे आती है? जब हम इस दुनिया को देख पाते हैं और इसके ट्रांजिटरी होने का, इसके इल्यूजरी होने का हमको आभास होना शुरू होता है। अभी नहीं होता, अभी हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो बड़ी कुंठित है। हमारी जो मेमोरीज हैं, वो दुनिया की पूरी पिक्चर हमको नहीं देखने देती, अधूरी, आधी अधूरी पिक्चरें हमको दिखाती है। जो चीज़ें अच्छी लगती है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट करके हमको दिखाती है, जो चीज़ ख़राब होती है उसको छुपा देती है। अब देखिए, अपने पास्ट में जाकर देखिए, तो जो भी दुखदायी इंसिडेंसेस हैं आपकी लाइफ में, वो माइंड उसको जानबूझ के भुलाता है, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और जो भी हैप्पी चीज़ें हैं, उसको हम बार बार जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको एक्साइट करती है वो चीज़ें। बेसिकली हमारा माइंड इस दुनिया से इम्पल्सेस लेकर के अपने आप को एक्साइट करते रहता है। लेकिन जब आप सीरियसली इसको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हमारे गौतम बुद्ध थे, वो अपने सन्यासी को मरघट भेजते थे, जहाँ पर शमशान घाट पे बॉडी जलाई जाती है, उसको बोलते थे ध्यान से देखो, उसको एस्केप करने की कोशिश मत करो, अपने इमोशंस को देखो, अपने थॉट्स को देखो, और जब तुम ये देख पाओगे ध्यान से, उनको महीनों महीनों तक वहाँ पर साधना देते थे। जैसे कोई साइंटिस्ट अपने लैब में चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक ऐसे ही गौतम बुद्ध आसपास में जितने भी उनके सन्यासी थे, जो बहुत अग्रसर नहीं कर पाते थे अपने मेडिटेशन में, तो उनको बोलते थे जाओ और मरघट पे जाके देख के आओ, देखते रहो कि किस तरह से बॉडी जल रही है, और अल्टीमेटली तुम्हारी भी बॉडी जलने वाली है, ख़त्म होने वाली है। तो एक तरह का बहुत गहरे से इस बॉडी के साथ का अटैचमेंट ख़त्म होता है, और जब अटैचमेंट ख़त्म होता है तो एक तरह की एक सनक, एक पागलपन, एक दोबारा पैदा होने का एक जो इंस्टिंक्ट है, वो हल्का होना शुरू हो जाता है। और जब फिज़िकल बॉडी के साथ हमारा अटैचमेंट हल्का होता है,
तो हम वहाँ जाते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस वहाँ जाता है जहाँ पर एक्चुअली उसका स्टेट है। इस दुनिया में आने के लिए हमको फिजिकल बॉडी चाहिए। कॉन्शियसनेस फिजिकल वर्ल्ड को बिना बॉडी के एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, दोनों का कोई मेल ही नहीं है। जैसे जैसे पानी और हवा का कोई मेल नहीं है, दोनों का अलग नेचर है, ठीक ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड और कॉन्शियसनेस का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर फिजिकल वर्ल्ड में कॉन्शियसनेस को आने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए एक बॉडी लेनी होती है, और एक बार बॉडी का एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है तो फिर बॉडी अपने आप को बार 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 प्रोड्यूस करती है। जब ये ख़त्म होता है तब आप रियलाइज़ करते हैं कि एक स्ट्रीम चल रही है, एक एंडलेस स्ट्रीम, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, एंड नहीं है। जैसे नदी बहती है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है। लेकिन नदी किनारा नहीं होता, ठीक ऐसे ही ये दुनिया हमारी नहीं है, हम इस दुनिया के नहीं हैं। वी आर द गेस्ट्स हियर। यही ओशो कहते थे, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, आई वॉज जस्ट अ गेस्ट। कैन वी सी दिस, कैन वी एक्सपीरियंस दिस? क्या हम अपनी पूरी लाइफ में इस चीज़ को देखने की कोशिश कर सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं इस चीज़ का?